गुड इवनिंग। सो गाइस ये इनसाइट्स की 21 अप्रैल की डेली करंट अफेयर्स क्विज है। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगेन गाइस इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि म्यांमार के साथ कौन से स्टेट्स हैं जो अपना बॉर्डर शेयर करती है हमारे इंडिया की, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम या अरुणाचल प्रदेश। देखो गाइस कौन कौन सी करती हैं, अरुणाचल प्रदेश करती है, नागालैंड करती है, मणिपुर मिजोरम करती है, त्रिपुरा नहीं करती है। फाइन, तो करेक्ट आंसर क्या है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। फाइन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। बाकी आप देख सकते हो मैप में, देखो ये है हमारा म्यांमार। फाइन, ये म्यांमार है ठीक है, और इसके साथ कौन कौन से बॉर्डर शेयर करते हैं, मिजोरम, मणिपुर, अब जरा हम ऊपर देखते हैं, नागालैंड करता है और अरुणाचल प्रदेश करता है। फाइन, और त्रिपुरा कहाँ है, एक सेकेंड, अब आप देख सकते हो त्रिपुरा किधर जा रहा है, त्रिपुरा इधर जा रहा है, बांग्लादेश के साथ करता है लेकिन वो म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। फाइन, सो करेक्ट आंसर क्या है मैंने आपको बता दिया, बाकी आप देख सकते हो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम है जो म्यांमार के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती हैं। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, स्विस चैलेंज मेथड न्यूज़ में रहता है, ये किससे रिलेटेड है, रिजोल्विंग स्ट्रेस एसेट्स, पब्लिक प्रोक्योरमेंट, रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। देखो स्विस चैलेंज मेथड अगर आपने इकोनॉमी पढ़ी होगी तो ये पब्लिक प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड है। लाइक सपोज करो अगर कोई गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट निकालती है, सपोज करो कोई रोड का प्रोजेक्ट है, फाइन, तो वो अपना ऑनलाइन शो करती है जिसमें क्या जो इंटरेस्टेड कंपनीज हैं वो क्या कर सकती हैं उस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करती हैं, ठीक है। तो स्विस चैलेंज मेथड एक किसके लिए, पब्लिक प्रोक्योरमेंट के लिए। बाकी आप इसको डिटेल में पढ़ते हैं, स्विस चैलेंज एक मेथड ऑफ बिडिंग है, मतलब कि पब्लिक प्रोजेक्ट्स का अगर मतलब कि बिडिंग करने के लिए, एक परचेज करने के लिए, इन विच जो इंटरेस्टेड पार्टी है वो प्रपोजल भेज सकती है कि हाँ मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड हूँ और इसको परचेज करना चाहता हूँ। गवर्नमेंट फिर क्या करती है उस प्रोजेक्ट की जो डिटेल है सब कुछ लिखती है, ऑनलाइन डालती है और प्रपोजल्स को इन्वाइट करती है कि हाँ अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इस फॉर्म को भर दो, और जैसे ही जिसको लगता है तो उस कॉन्ट्रैक्टर को वो प्रोजेक्ट मिल जाता है। फाइन, तो स्विस चैलेंज में एक्चुअल में क्या होता है, जो कंपनीज के लिए क्या होती है उस प्रोजेक्ट की बिडिंग होती है, ठीक है। सो ये किस लिए होता है, फॉर द पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, सब्सटेंटिव इक्वलिटी जो कंट्रीज के द्वारा अडॉप्ट की गई है उसका मतलब क्या है। इक्वलिटी का मतलब आपको समझ में आता है, सब्सटेंटिव इक्वलिटी का मतलब क्या है, ऑल पीपल मस्ट बी इक्वली ट्रीटेड एट ऑल द टाइम्स, हमने पढ़ा एट ऑल द टाइम्स, आपको पता है हमारा आर्टिकल 14 भी क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, मतलब कि इक्वल्स कांट बी ट्रीटेड अनइक्वली एंड इनइक्वली कांट बी ट्रीटेड इक्वली। फाइन, तो एट ऑल टाइम हमेशा इक्वलिटी नहीं होती। फाइन, एब्सोल्यूट इक्वलिटी इन ऑल द स्फीयर्स एंड टू एवरी पर्सन, मतलब कि अगर कोई बंदा फिजिकली हैंडीकैप्ड है या वुमेन है क्या हम उनको हमेशा एक जैसा ही इक्वलिटी स्पेयर करेंगे, जहाँ जो डिसएडवांटेज सेक्शंस हैं तो उनको हम ऑफकोर्स एब्सोल्यूट इक्वलिटी का मतलब हो गया चाहे बंदा जैसा मर्जी उसको हम सेम, नो, एब्सोल्यूट इक्वलिटी का मतलब ये नहीं, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर डिसएडवांटेज एंड मार्जिनलाइज ग्रुप, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। आपको पता है हमारे इंडिया में जो रिजर्वेशन मिलती है वो क्यों मिलती है, बिकॉज ये एक अफर्मेटिव एक्शन है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, सो दैट हम उनको रिप्रेजेंटेशन दे सकें। एबोलिशन ऑफ ऑल स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेजेस, नो। फाइन, तो क्या सब्सटेंटिव इक्वलिटी का मतलब क्या है कि हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है जो डिसएडवांटेज सेक्शन है। सो इसके करेक्ट आंसर क्या है, सी। फाइन, बाकी देखो ये आप पढ़ सकते हो, हमने जो सब्सटेंटिव इक्वलिटी अडॉप्ट की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, बिकॉज हम क्या करते हैं सेपरेट बट इक्वल ट्रीटमेंट के सिस्टम को क्या करते हैं अडॉप्ट करते हैं। अब आप देख सकते हो कि जैसे शुरू से वुमेन को क्या करते हैं, कहीं ना कहीं उनको के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, स्पेशली ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। तो ये माना जाता है उसको जो वुमेन है वो इम्प्योर है, जिसकी वजह से एक वुमेन को कहीं ना कहीं एक एज अ फिजियोलॉजिकल फीचर उनको टारगेट किया जाता है। इसलिए इन प्रैक्टिसेस को रिजेक्ट करने के लिए या फिर वुमेन को कोई डिस्क्रिमिनेट ना कर सके तो आर्टिकल 14 में ये डाला गया सब्सटेंटिव इक्वलिटी, सो दैट हम क्या कर सके, क्योंकि वुमेन भी एक मार्जिनलाइज सेक्शन है, डिसएडवांटेज सेक्शन है, उनको हम क्या कर सके इक्वलिटी दे सके। फाइन, तो यार आई होप आपको समझ में आया होगा। सो सब्सटेंटिव इक्वलिटी इज अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट लॉज दैट इज कंसर्न विद इक्विटेबल आउटकम। देखो हमारा मेन ए मीनू कि हम इक्वल अपॉर्चुनिटी, हमारा मीन में इक्वल आउटकम इक्वल माना चाहिए, ठीक है, एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर डिसएडवांटेज एंड मार्जिनलाइज पीपल एंड द ग्रुप्स इन सोसाइटी। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको बताना है, यूनियन फाइनेंस कमीशन ट्राइज टू रेक्टिफाई द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंसेस इन रिसोर्सेज एंड एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। यूनियन एंड स्टेट्स में किस तरह से मतलब कि पैसों को डिवीजन करना, ये काम किसका, यूनियन फाइनेंस कमीशन का, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेट फाइनेंस कमीशन दैट सप्लीमेंट द रिसोर्सेज ऑफ पंचायत्स एंड म्युनिसिपैलिटीज आर कॉन्स्टिट्यूटेड अलोंग विद यूनियन फाइनेंस कमीशन,
देखो इस नो डाउट पंचायत म्यूनसिपैलिटीज को क्या ग्रांट होगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, स्टेट फाइनेंस कमीशन की होती है, लेकिन वो सेपरेट होता है, ना कि यूनियन फाइनेंस कमीशन के साथ होता है। तो ये अलोंग विथ की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गई। थर्ड स्टेटमेंट है, 15th फाइनेंस कमीशन ने पहली बार रिकमेंड किया था कि हमें पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ को जो पैसा देना चाहिए, ग्रांट देना चाहिए, वो ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस देना चाहिए। कि ये पहली बार 15th फाइनेंस नहीं 13th फाइनेंस कमीशन ने पहली बार रिकमेंड किया था, इस वजह से थर्ड स्टेटमेंट है वो भी गलत हो गई। तो कौन स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट के जो करेक्ट है। फाइन, सो स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है, फर्स्ट है, बाकी मैंने एक्सप्लेनेशन आपको कर दी है, अगर आप इसमें पढ़ोगे तो वही सेम चीज़ है जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी है। फाइन, लास्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अंटार्कटिका ट्रीटी 1961। आपको पता है ना 100 कंट्रीज से भी ज़्यादा इसके मेंबर्स हैं, गलत बात है, 54 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग अंटार्कटिका शैल कंटिन्यू फॉर एवर टू बी यूज एक्सक्लूसिवली फॉर पीसफुल पर्पजेज, मतलब कि अगर आपको अंटार्कटिका में कोई रिसर्च करनी है एज अ पीसफुल पर्पज का आप यूज़ कर सकते हो, यह बात बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर मिलिट्री एक्टिविटी प्रोहिबिट है एक्सेप्ट फॉर साइंस एंड प्रोहिबिट्स न्यूक्लियर एक्सप्लोजन एंड डिस्पोजल, ये बात भी करेक्ट है। फाइन, सो इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट वो कौन कौन से, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, 2 and 3। बाकी आप इसको पढ़ सकते हो, अंटार्कटिका ट्रीटी एंड रिलेटेड एग्रीमेंट्स, जिसको हम अंटार्कटिका ट्रीटी सिस्टम भी बोलते हैं, ये क्या करती है, इंटरनेशनल रिलेशंस को रेगुलेट करती है विद रिस्पेक्ट टू अंटार्कटिका। 1961 में ट्रीटी एंड फोर्स में आई थी और 54 कंट्रीज इसकी मेंबर है। मेन ऑब्जेक्टिव ये कि हम अंटार्कटिका को पीसफुली यूज़ कर सकें और हमेशा के लिए यूज़ कर सकें, और यहाँ पे मिलिट्री एक्टिविटीज़ को बिल्कुल बैन कर सकते हैं, बट साइंटिफिक रिसर्च यहाँ पे हो सकती है। फाइन, कोई भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हम यहाँ नहीं कर सकते और कोई भी वेस्ट मटेरियल को हम यहाँ पे डिस्पोज नहीं कर सकते। फाइन, तो यहाँ पे हमारे जो 21 अप्रैल के डेली करंट अफेयर्स क्विज है वो कंप्लीट हो गए। वीडियो पसंद आई लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना, तब तक बाय बाय, टाटा।